मैं मनीषा आपको सामा चकेवा पर्व के बारे में बताने जा रही हूँ। यह मिथिलांचल का पर्व है। इसे बिहार और नेपाल में मनाया जाता है। यह भाई बहन के रिश्ते के प्रेम और पवित्रता को प्रदर्शित करता है। यह सर्दियों में हिमालय के रंग बिरंगे पक्षियों के तराई में आने की खुशी में मनाया जाता है। कहा यह भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की एक पुत्री थी सामवती और पुत्र साम्य। एक बार एक चूड़क नाम के चुगले ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपकी पुत्री वृंदावन जाने के क्रम में एक ऋषि चक्रवाक यानी चकवा के साथ भ्रमण कर रही थी। श्री कृष्ण क्रोध में आकर उन दोनों को नैना बन जाने का श्राप दे देते हैं। जब सामवती यानी सामा का भाई साम यह सुनता है तो कठिन तपस्या करके अपनी बहन बहनोई को श्राप से मुक्त करता है। भाई बहन के इसी प्रेम को सामा चकवा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। लड़कियां महिलाएं विभिन्न प्रतीकों मसलन सामा चुगला चकेवा वृंदावन इत्यादि के माध्यम से इस खेल को खेलती हैं। तारण के दिन से पूर्णिमा तक सब लोग गीत गाती हैं। ननद भाभी में खट्टी मीठी नोकझोंक होती है। वे गीतों के माध्यम से एक दूसरे को ताने भी देती हैं। पूर्णिमा के दिन सब बुराई के प्रतीक चुगले को आग लगाते हैं, फिर एक बेटे की तरह सामों को दही चूरा खिला और फिर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों के साथ विदा करते हैं। मिट्टी के इन प्रतीकों को किसी नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। ये था सामा चकेवा का पर्व। आशा करती हूँ आप सबों का घर परिवार इसी तरह सुखी और समृद्ध रहे। मेरे इस वीडियो मुख्यतः लोक की वंदितियों पर आधारित है। इससे किसी के व्यक्तिगत सामाजिक या फिर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।